21 अगस्त से 26 अगस्त तक महानगर में हुई भारी बारिश की वजह से कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, तो कई मोहल्लों में जल निकासी नहीं होने से लोगों के घरों में पानी घुसने से काफी दिक्कतों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जल निकासी के लिए नगर निगम द्वारा लगातार पंप सेट लगाकर पानी निकासी करवाया जा रहा है। रविवार को नगर आयुक्त अविनाश सिंह द्वारा बशारतपुर क्षेत्र, राप्ती नगर और चरगावां क्षेत्र का निरीक्षण किया गया और स्थानीय लोगों और पार्षदों से मिलकर जलभराव को जल्द से जल्द निस्तारण कराने का आश्वासन दिया और मौके पर नगर निगम की नाला सफाई गैंग द्वारा नाला सफाई कराया गया। इस मौके पर नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने बताया कि विगत दिनों हुई बारिश से विभिन्न हिस्सों में जलभराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसके लिए 260 पंपों के सहारे जल निकासी कराया जा रहा है। वहीं बाहर से भी पानी निकासी के लिए मशीनें मंगाकर जल निकासी कराया जा रहा है। उम्मीद है जल्द ही महानगर वासियों को जलभराव से निजात मिल जाएगी। इस मौके पर चीफ इंजीनियर सुरेश चंद, अपर नगर आयुक्त संजय शुक्ला सहित नगर निगम के अधिकारी और स्थानीय पार्षद मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए नगर आयुक्त अविनाश सिंह ने कहा, वार्ड नंबर 43 के माननीय पार्षद जी जो है सर, वो है नहीं अस्वस्थ है, बाहर रोड इस पार के पार्षद है नहीं अस्वस्थ है, किसी पार उनकी जनता लेकिन है पीड़ित है। Thank you.
पानी कैसे पानी तो सारा निकल ही रहा है, इससे ज्यादा कोई व्यवस्था नहीं होता। सर ऐसा कुछ नहीं, जो आप बता रहे थे वहाँ पे जल्दी पंप अगर कुछ और व्यवस्था हो तो बस, और कोई व्यवस्था है नहीं, और कोई सर व्यवस्था नहीं। ये बताओ कि जैसे मान लो पंप दे दें, कहाँ लगाओगे सर? एक वहाँ लगवाएंगे पीपल, पीपल के पेड़ के पास। चलो एक दे दिया, अब यहाँ पानी है। हाँ पानी है, पानी है। सब भाई सब है। उसको कहाँ डालेंगे? उसी में मेन रोड में, मेन रोड में तिवारी, उस पर डालोगे? चलिए आज शाम तक करवा है ना, फिर खोल देंगे लोग। तो अभी परमानेंट कहाँ जमान दिया जाए? नहीं अभी की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब आगे की बात कर रहे हैं। नहीं आगे के लिए सड़क बगल जी घर तक जी फिर आगे जितने को कि आपका ये संपेल भी वो है, उसने पूरा वो बढ़ाने वो भी कैपेसिटी बढ़ाने का ऑर्डर हो चुका है। पार्षद ने दिया था, पार्षद जी ने सब हो चुका है, वो भी हो चुका है। बाकी सब जो हम अभी की बात कर रहे हैं किससे ये पानी निकाल दें तुरंत, ये रेलवे पानी में निकले। और चलो आपको दिखाएं उधर पानी, नहीं नहीं उसको हम देखे, हम घूमे, हम घूम कर देखे हैं। नाले खराब हो गए, पास में जहाँ जहाँ जगह नहीं, नाला खराब हो गया है, नाले खराब हो गए। बालाघाट के विभिन्न क्षेत्रों में आप लोगों ने निरीक्षण किया, कहाँ पर निरीक्षण किया, क्या व्यवस्था की? जैसा कि आप देख रहे हैं कि 21 अगस्त से लेकर 26 अगस्त के बीच में गोरखपुर जनपद में जो सामान्य वर्षा होती है उससे लगभग 57% ज़्यादा वर्षा हो चुकी है, और 26 तारीख की रात में जो मूसलाधार बारिश हुई है, मौसम विभाग के अनुसार 117 mm बारिश हुई। निश्चित रूप से उसे सामान्य बारिश नहीं कहा जा सकता है, मौसम विभाग के अनुसार यह एक अतिवृष्टि की श्रेणी में आती है, और इसकी वजह से इस जो लगातार एक वीक में मूसलाधार बारिश हुई, शहर के काफ़ी जो लो लाइंग एरिया हैं वहाँ पे पानी लग गया, जो हमारे ऊपर वाले क्षेत्र थे वहाँ तो पानी 2 घंटे से लेकर 3 घंटे में निकल जा गया, लेकिन कुछ जगहों पर पानी लगा रहा, जिसकी वजह से आम जनमानस को, नागरिकों को परेशानी हुई और हो रही है। उसी को निरीक्षण करने के लिए मैं आज पूरी अपनी पूरी टीम को निकाला था, सुबह से ही सब लोग निकले हुए थे,
ये वैसे तो ये लगातार 24 घंटे काम कर रहे हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने माननीय मंडलायुक्त महोदय ने कानपुर, कुशीनगर, देवरिया, बस्ती आदि जिलों से जो सक्शन मशीन होती है जो पानी को सक कर लेती है उसको मंगवाया था। हम लोगों ने सुबह से इन सारी मशीनों को जगह जगह लगा दिया था जहाँ से कि पानी सक करके पानी को हम ख़त्म कर सकें। उसका बड़ा अच्छा रिजल्ट देखने को मिला। इसके अलावा जो बसारतपुर एरिया है वहाँ पर एक जो मुख्य नाला था जिसको लोग बता रहे थे, कह रहे थे कि साहब इस वक्त ये चोक हो रहा है, इसकी वजह से पानी की स्पीड बहुत कम है, तो उसको पूरी हम लोगों ने वर्कलैन मशीन और नाला गैंग लगा के पूरा उसको सफाई करवा रहे हैं। आज काफ़ी लंबे एरिया में साफ़ हो गया है, कुछ बचा हुआ है उस जिसे कि कल किया जाएगा। इसके पश्चात हम लोग बसारतपुर के जो अशोकनगर दक्षिणी वाला क्षेत्र था उसके अंदर गए और वहाँ पर उनका कहना था जो मेडिकल कॉलेज पर जो PWD के द्वारा नाला बनाया गया है उसके बैक फ्लो करने की वजह से काफ़ी पानी वहाँ पर आ गया और वहाँ पानी था और निश्चित रूप से दिक्कत हो रही है। तो वहाँ पर अभी तक हमारे 5 जो है मड पंप डी वाटरिंग पंप काम कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने मौके पे देखते हुए जो पब्लिक की डिमांड थी वहाँ 2 पंप की संख्या और तत्काल बढ़ा के उनको पंप उपलब्ध करा दिए। इसके पश्चात हम लोग वहाँ देखते हुए राप्ती नगर फेज 4 चरगावा वहाँ पर गए, वहाँ के लोकल पार्षद साथ में थे, उनके साथ पूरा क्षेत्र को देखा गया, जहाँ जहाँ उन्होंने कहा वहाँ पंप लगाए गए हैं। नगर निगम पिछले वर्षों की तुलना में इस बार जो है हमारे 260 से करीब जो है पंप जो हैं विभिन्न नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में लगे हुए हैं जो कि वहाँ पर काम कर रहे हैं। और इसके साथ साथ जैसी जहाँ से डिमांड आ रही, हमने बाहर से भी चूँकि पंप की सप्लाई यहाँ पे हो नहीं पा रही थी, यहाँ से हम लोगों ने गोरखपुर के अलावा कानपुर, लखनऊ और दिल्ली से भी पंप मंगाए। जैसे अभी हमको कुछ ज़रूरत में कुछ पंप हमने अभी आज ही ऑर्डर किए हैं कानपुर से आने के लिए और कल तक वो भी आ जाएंगे। तो हम नगर निगम पूरी तरह से अपने पूरे कह लीजिए कि पूरे टीम के साथ पूरे जोशो खरों के साथ लगा हुआ है और जल्दी से जल्दी हमारा टारगेट है कि हम अपने इन क्षेत्रों में जहां वाटर लॉगिंग हुई है उनको हम वहां से जो जल की से मुक्त करा सकें। और निश्चित रूप से हमें उम्मीद है जैसे कि अगर आज बारिश नहीं होती है और 2 दिन और नहीं होती है तो हम 95% से ऊपर क्षेत्र को कवर करने में सफल हो जाएंगे। इसके अलावा जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि जो गुड़दैया नाला उसकी जो सफाई के लिए, तो अभी पानी का फ्लो तेज़ होने की वजह से हम लोगों ने आज निरीक्षण किया था, कल फिर जाकर निरीक्षण करेंगे, उसकी भी हम लोग पूरी सफाई कराएंगे। और इसके अलावा जो जीवनी नाम की कंपनी है जो कि हमारी जिसको कि GDA ने और नगर निगम ने मिलकर उसको उस पर काम कर रहे हैं, वो हमारी DPR बना रही है पूरे क्षेत्र का एक समग्र व्यापक DPR। और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि DPR ऐसा बने जो कि वास्तविकता का के धरातल पर हो, प्रैक्टिकल हो और जो हमारी समस्याओं को मतलब वास्तव में उसको समाधान उसको ढूंढ सके। तो हम लोग एक कहते हैं एक अस्थाई समस्या समाधान के रूप में जो कोशिश कर रहे हैं, इसके अलावा एक स्थायी भी हम लोग जो है समाधान ढूंढ रहे हैं जिससे कि आने वाले वर्षों में जो हमारे गोरखपुर नगर निगम के निवासी हैं उनको समस्या ना हो पाए।